अब झालाना में लेपर्ड सफारी करना हुआ महंगा। वन विभाग ने बढ़ाई झालाना में लेपर्ड सफारी की दरें। भारतीय नागरिक 140 रुपए, विदेशी नागरिक 1070 रुपए, भारतीय छात्र 45 रुपए, वाहन शुल्क 1070 रुपए, प्रति वाहन 750 रुपए। डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने जारी किए हैं ये आदेश। नई दरें आज से लागू की गई है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए नई दरें लागू कर दी गई है और ये बड़ी हुई दरें। बिल्कुल, देखिए आयुष, जिस तरह से रणथंभौर के पैरेलल लाने की बात थी कि जिस तरह से लगातार लोकप्रियता बढ़ रही थी सरिस्का की और झालाना लेपर्ड सफारी की, तो उसमें उम्मीद यही की जा रही थी कि जिस तरह से रणथंभौर में जो फीस वसूली जा रही है वो यहाँ पर भी दिलाई जाए। उसका नतीजा ये रहा कि पिछले दिनों सरिस्का में शुल्क बढ़ा दिया गया था और आज से लेपर्ड सफारी, जो झालाना लेपर्ड सफारी, जो देश की एकमात्र ऐसी सफारी है जो शहर के बीच में है, उसका भी अब शुल्क बढ़ा। तौर पर अब झालाना लेपर्ड सफारी करने वाले कुछ जानकारी पड़ी, जिसमें सीधे तौर पर कहें तो 1070 रुपए इसमें शुल्क कर दिया गया वाहन का। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को 140 रुपए देने होंगे, विदेशी नागरिक को 1070 रुपए देने होंगे, भारतीय छात्र को 45 रुपए और औधी, जो शिकार औधी जो सबसे लोकप्रिय है, जो कि फोटो और जहां से पूरा झालाना लेपर्ड सफारी नहीं, पूरा जयपुर भी ऐसा लगता है जैसे एकदम आप आसमां में हो और पूरा जयपुर आपको नीचे अपनी जमीन पर नजर आता है, तो उसका भी जो शुल्क था पहले 500 रुपए था, उसको बढ़ा करके 750 रुपए कर दिया गया है। अच्छी बात यह भी है इसमें साथ ही साथ आयुषी की, अब लग्जरी गाड़ी भी जो 50 लाख रुपए से ज्यादा की जो गाड़ी है वो भी झालाना लेपर्ड सफारी में लगाई जा सकेंगी टूरिस्टों के लिए, लेकिन उसके लिए टूरिस्टों को 4 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो आदेश है अजय चित्तौड़ा जो डीएफओ, उन्होंने कल देर शाम ये आदेश जारी किए जिनको आज से लागू और झालाना में जो सफारी के जो शुल्क है वो कर दिए गए, और भविष्य में भी जैसे जैसे रणथंभौर में सफारी के शुल्क में बदलाव होगा तो स्वतः ही सरिस्का और झालाना लेपर्ड सफारी के शुल्क में भी बदलाव किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब ये कहा जा सकता है कि कोविड के दौर में हालांकि रिलीफ की लोग सोच रहे थे कि थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे जिप्सी संचालकों का शुल्क भी बढ़ गया है, यहाँ जो नेचर गाइड है उनका शुल्क भी अपने आप बढ़ जाएगा, तो सबको एक समान रूप से राजस्व लगेगा। जिससे कह सकता है कि पर्यटक को तो थोड़ी सी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी, बिल्कुल आयुष बिल्कुल निर्मल, हालांकि पर्यटकों को थोड़ा अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा, पर इससे में हो सकता है कि विकास के लिए बेहतर हो और साथ ही कई सुविधाएं भी उनके लिए बढ़ाई जाए। निश्चित तौर पर, देखिए जब शुल्क बढ़ता है उसमें जो कल्याण कोष में जो राशि जाती है जिसका जो कि पूरे झालाना लेपर्ड रिजर्व के बात उसके काम में आती है, वहाँ जो कर्मचारी कल्याण के काम में आती है, वहाँ जो समिति स्थानीय समिति बनी हुई है उसमें कल्याण कोष बना हुआ है, तो उसके द्वारा ये राशि काम में आती है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा भार जरूर पर्यटकों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता लगातार झालाना लेपर्ड सफारी की बढ़ रही है आयुषी, उससे कान ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो 500 रुपए पहले चुकाते थे अब उनको 750 रुपए देने पड़ेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि वैसे भी देखिए कि एक दिन में सर्वाधिक 164 ही पर्यटक जो है झालाना लेपर्ड सफारी में जा सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा पर्यटकों की संख्या ऐसी नहीं होती है यहाँ पर कि जिस तरह से रणथंभौर में या सरिस्का के अंदर होती है, तो कहा जा सकता है कि भार जरूर बढ़ा है, लेकिन इससे निश्चित तौर पर विकास के दरवाजे ही खुलेंगे। चलिए निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया।